नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, हमने साइंस में मानव तंत्र जो है उसका पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है इस साल 2020-21 के अनुसार, ठीक है। अब आपके फरमाइश पर मैं जो है आज की इस वीडियो में आपको जो है ना इस चैप्टर के डायग्राम, जितने भी डायग्राम हैं उन डायग्रामों को कैसे बनाना है, शॉर्ट विधि क्या है, किस तरीके से आप आसानी से उनको बना सकते हो ना, यह मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे तो जो है ना इस वीडियो में जो है ना मैंने आपको जो है ना जो आपका मानव पाचन तंत्र है और जो मानव आपका जो क्या बोलते हैं श्वसन तंत्र है उसको जो है ना उसके डायग्राम कैसे बनाते हैं वो मैंने बता दिया था, ठीक है। आप उसको देख लेना, उसमें भी जो है मैंने आपको बताया रखा है। अब आज जो है ना बाकी बच्चे जितने भी डायग्राम है, जितने भी चित्र है ना, उन चित्रों को आपको आसानी से आराम से कैसे बनाना है और सिंपल से चित्र जो है वो लेकर आया हूँ जो कि आपके एग्जाम में अच्छे तरीके से चलेंगे और जो है ना उसके आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बड़ी बड़ी सी शॉर्ट ट्रिक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं हृदय की। हमारा जो दिल है ना उसको हम कैसे बनाते हैं, उसको मनाना तो हमें आता है लेकिन कैसे बनाते हैं वो जो है ना आज हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से आसानी से जो है इसको बनाना है। आपके बुक में थोड़ा सा अलग डायग्राम है, मैं जो है यहाँ पर थोड़ा अलग बताऊँगा और जो है ना वो आपके एग्जाम में 100% जो है वो सही है, ठीक है, ये आप मान के चलना। देखिए, इसको जो है ना बनाने के लिए आपको एक सबसे पहले अंडा बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब अंडा जो आप कैसे बनाओगे, देखिए ऊपर से स्टार्ट करना, यहाँ से जैसे कि मान लो आपने यहाँ स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये देखिए आपने पेंसिल से करना, पहली बात तो ये आपने अंडा लिया, अब जो है ना यहाँ से भी ले लो, ठीक है ना। अंडा देखिए, अंडे की खास बात क्या होती है कि ये जो ऊपर और नीचे का भाग है ना, तो ये अंडा नीचे से जो है ना कितना होता है, थोड़ा सा पतला होता है। देखिए ये थोड़ा ऊपर से मोटा, ये ऊपर नीचे से पतला है। अंडे से बना लिया आपने, ठीक है। पेंसिल से काम करना मैं वापस आपको बता रहा हूँ। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से जो है ना एक लाइन खींचना, देखिए ये आपने लाइन खींच ली, ठीक है। यह आने के बाद जो है ना जैसा जिस तरीके से इसका शेप है ना उसी के जैसे जो है ना, देखिए इसी के एकदम समान तो आप जो है यहाँ पर ले गए, आ गया समझ में, ठीक है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी एक लाइन खींच लीजिए, ठीक है, ये आपने खींच ली। और यहाँ से जो है ना इसके समांतर जो है ना एक लाइन आप जो है ना उसके पैरेलल जो है ना इस तरीके से आप ले लीजिए, देखिए बना लिया, इतना आ गया ना, आ गया, बिल्कुल सिंपल सा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो है ना इसको ऐसे कर लेना का है और इस तरीके से कर लिया, ठीक है। अब आपको इतना करने के बाद इसको भी जो है आप कर सकते हो, ठीक है, ये आपने कर लिया अच्छे से करते, देखिए अच्छे से हमने कर लिया तो जो है ना कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आप मैनेज कर लेना क्योंकि ये जो है ना बोर्ड है ना, तो यहाँ पर जो है मार्क थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इससे जो है आपको थोड़ी सी कठिनाई आपको होगी। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इससे जो इतना ना भाग है ना इसको आप रबर से मिटा दोगे, ठीक, किससे, रबर से। अच्छा, जब रबर से आप मिटाओगे ना तो जो है ना थोड़ा थोड़ा आपको भाग ये दिखेगा, ठीक है ना, क्या दिखेगा, थोड़ा थोड़ा ये जो आपने लाइन खींच दी ना वो आपको दिखेगा और वो दिखना ही चाहिए बिल्कुल, मतलब इतना साफ मत मिटा देना कि वो दिखे नहीं। उस इसको देखने दिया, जब आपको ये लाइन दिखेगी ना उसका जो है ना आपको काफ़ी फायदा होने वाला है, ठीक है। बड़ा ये जो है आराम से हम चित्र बना लेंगे, देखिए ये आपने बना लिया, ऐसी जैसे लाइन आपको दिख जाएगी। अब आपको जो है ना क्या करना है, यहाँ से जो है ना यहाँ से थोड़ा ऊपर ले जाना इस तरीके से, और इसको भी जो है ना इसके जैसा के जैसे जिस तरीके से ये किया उसको भी इस तरीके से लेके जाना है, ले गए आप, ठीक है। अब इसको जो है ना इसको कैसे करना है, देखिए इसको भी कुछ ऐसे ही करना है, कुछ इस तरीके से जो है ना आपको कर लेना का, ठीक है, आ गया समझ में ना, आ गया बहुत ही अच्छी तरीके से। अब जो है ना आपको क्या करना, देखिए अब आ गए आप, अब जो है ना यहाँ पर जो है ना इस तरीके से लाइन खींच कर जो है ना इसको सीधा कर लीजिए, और जो है ना या फिर जो है ना आप इसको थोड़ा सा सही कर दीजिए, यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आ गए, ठीक है ना। देखिए समझ गए होंगे कि एक तिरछी लाइन खींचकर इसको जो है ना इस तरीके से कर लेना है। अब जो है ना इस लीड जो ये लाइन है ना उस लाइन को जो है ना इस तरीके से बढ़ाना है, और कहाँ तक बढ़ाना है, ये जो आपकी जो आपने मिटा रखा है ना उस लाइन से बाहर जाना चाहिए इस तरीके से, देखिए बाहर जा रहा है। और जो दूसरी लाइन खींचोगे ना तो वो भी देखिए इससे बिल्कुल इसके जैसी दिखनी चाहिए, इसके समांतर ही चलनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक तो ऐसे जा रही हो एक आपकी ऐसे जा रही है, ये बिल्कुल जो है गलत होगा, ऐसे बिल्कुल लेके जाने पड़ेगी, ठीक है, समझ रहे हो ना, ठीक है, आ गया समझ में। अब जो है ना आपको क्या करना है, आपको एक लाइन लेनी है इसी के समांतर, देखिए इसी के समांतर आपने लाइन ली, ये देखिए ठीक है ना, ये लाइन ली और यहाँ से इस तरीके से कर लिया, पीछे लिट्टी करके पीछे लाइन करके जो है ना आगे ले ली, और जो है ना अब जो है ना इसको जो है ना इस तरीके से आप मिला लोगे, देखिए मिला है, आप आराम से जो है ना समांतर एक जैसे लाइन खींचनी है, जैसे कि यदि ये आपने इस तरीके से खींच ली ना तो इसको भी जो है ना इस तरीके से ही खींचना है, ठीक है। अब इसकी खास बात क्या है कि इसको जो है ना आपको ये जो लाइन बना रखी है जो आप मिटाने से दिख रही है ना उसके बाहर नहीं जाना चाहिए, आ गया समझ में, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं हमें। अब हमें जो है ना क्या करेंगे, हम जो है ना इस तरीके से एक बना लेंगे लाइन इस तरीके से, देखिए सिंपल सी है, बना ली आपने, अच्छा अब एक और आप बना लीजिए, ठीक है, एक और हमने बना ली,
देखिए यह जो है ना बिल्कुल एक जैसी बनाओगे आप, बना ली। अब जो है ना आप इनको मिला लीजिए। कैसे मिलाओगे, देखिए एक तो ऐसे आ गई और एक आ जाएगा ऐसे, मिला लिया ना, ठीक है। अब जो है ना आप क्या काम कीजिए, एक और जो है ना आप लाइन लाइए, एक और ये लाइन लाई और इस तरीके से जो है ना इनको मिला लिया। देखिए कितनी अच्छी तरीके से मिला है, मिल गया ना, आ गया समझ में, ठीक है। अब जो ना ये लाइन जा आ रही है ना उसके बिल्कुल एकदम आप बोल रहे कि सामने जो है ना इस तरीके से लाइन खींच ले, सामने खींच ली। अब जो है ना यहाँ से क्या करना, ठीक है, यहाँ से आपको एक और लाइन खींचनी। एक काम करना, आप जो है इसको थोड़ी देर के लिए मिटा भी सकते हो, इतना ही रख सकते हो। अब जो है ना यहाँ से जो है ना देखिए, यहाँ से आपने यह लाइन ली और जो है ना इसको टच करते हो। टच कौन सा, जो आपने अभी मिटा रखा है ना, वो जो मिटा है वो लाइन देखिए ना, उसके अंदर से थोड़ा सा अंदर से आपको लेना इस तरीके से। और इसको भी जो ना आप ले लीजिए बाहर से, ये जो है आपका हो गया, हो गया ना। अब जो है ना आप काम कर सकते हो। अब आप क्या कर सकते हो, देखिए अब आप कर सकते हो कि ये इसको मिला लिया, ठीक है, मिला लिया ना। तो आप जो है ना रबर से वापस मिटा के इसको थोड़ा सा नीचे कर सकते हो, थोड़ा सा हमने नीचे किया इस तरीके से, और ये जो है आपका काम हो गया। देखिए यह आपका अच्छे से बन गया, बन गया ना, आ गया, अब आपका काम हो गया। अब आप पहचान कैसे करोगे, देखिए आपकी जो आपका लेफ्ट हैंड है ना, बाई साइड जो है ना, ये आपका लेफ्ट साइड है वैसे तो, लेकिन इस हरदे का जो है बाया साइड होगा, दाया साइड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना आपको कितने पाइप बनाने, एक दो और तीन, देखिए तीन पाइप, सॉरी एक दो, आप समझ लीजिए कि एक दो तीन और ये चार पाइप जो है आपको बनाने हैं, समझ में आ गया ना, ठीक है। अब जो है ना आपको क्या करना है, इसी के एकदम मतलब समझ लीजिए सामने एक और लाइन खींच लेने की है, ठीक है, खींच ली। अब आपको जो है ना यहाँ से एक और लाइन खींच लेने की इसके बीच में, ठीक है, खींच लेना यहाँ से जो है ना जस्ट इसके सामने इसी तरीके से एक और लाइन खींच लीजिए, खींच ली, ठीक है। अब इसके सामने जो है ना इस तरीके से यहाँ पर भी लाइन खींच सकते हो, खींच ली ना, हो गया काम, यहाँ तक आ रहा समझ में। अब जो है ना इसको आगे ले जाइए और इसके बिल्कुल समानता कर दीजिए, कैसे देखिए ऐसे कर दिया ना, ठीक है, हो गया काम, आराम से हो गया है, ठीक है। अब जो है ना इसको आप मिटा लीजिए, इतना जो है आपको समझ में आ गया। एक एक स्टेप को जो है ना आप वीडियो को पॉज करके करके जो है ना साथ साथ बना के जाइए। अब देखिए जहाँ से इसको मोड़ा है ना, वहाँ से ही जो है ना, वहाँ से आप ऐसा समझ सकते हो कि ये जो आपकी मिटी हुई लाइन दिख रही है ना, वहाँ से ही जो है ना इसको लेना है और कुछ इस तरीके से करना है, ठीक है, और कुछ इस तरीके से। अब देखिए यहाँ से जो है ना, अब आपने ये कर लिया ना, ये जो है ना मैंने गलत किया था, देखिए गलत क्या किया था, इसको जो है ना कुछ इस तरीके से लेना है, ठीक है ना, इस तरीके से। ये देखिए आपका काम जो है ना लगभग हृदय जो है वो बन चुका है, कितने आराम से जो है ना आपका हृदय बन चुका है। अभी थोड़ा बाकी है, क्या बाकी है कि ये लाइन दिख रही है ना, ये दो लाइन, इन दो लाइनों की जो है ना बिल्कुल सामने जो है ना इस तरीके से आप एक लाइन और लेके जाओगे और इस तरीके से पीछे लाइन करके इस तरीके से आप वापिस जो है वो इनको मिला लीजिए। ये देखिए मिला लिया ना, बस आपका काम जो है वो हो गया है। अब जो है ना थोड़ी बहुत आप क्या कर लीजिए, अपनी कारीगरी कर लीजिए, यहाँ पे भी इस तरीके से कर लीजिए, यहाँ पे भी कर लीजिए, यहाँ पे भी कर लीजिए। देखिए हमें समझने के लिए जो है ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक दो तीन और चार पाइप, बाकी एक्चुअल में जो तीन ही पाइप है, देखिए एक दो और तीन, ये तो आपका पैक हो गया ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, उसको भी जो है ना आप अच्छे से मिला सकते हो, ठीक है, ये आपने मिला लिया, आ गया समझ में। अब जो है ना यहाँ पे भी आप कारीगरी कर लीजिए थोड़ा सा, देखिए इस तरीके से कर लिया, यहाँ पर भी जो है ना आप कर सकते हो, आ गया ना। अब जो है देखिए ये आपका कौन सा साइड है, देखिए वैसे तो ये आपका लेफ्ट हैंड है, बाया हाथ है, लेकिन जो जहाँ बाया हाथ है ना वो साइड आपका जो है कौन से हो जाएगी, दाया, ठीक है, और जो आपका दाया हाथ है, जो आपका राइट हैंड है, वो आपका हो जाएगा बाया, ये आपका जस्ट उल्टा होगा, इसी बस यही कंसेप्ट याद रखना कि जस्ट उल्टा होगा, ठीक है। अब जो है ना आपको क्या करना है कि दाया साइड जो है ना वो तीन ऐसे लाइन खींच लिए, तीन, यहाँ से तीन और यहाँ से भी तीन, ठीक है, और बाएं साइड से दो ही लाइन खींच लिए, यहाँ से दो और यहाँ से भी दो, हो गए ना, आ गया समझ में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बस आपको जो है ना कहाँ से खून आएगा और कहाँ से जाएगा ये आपको करना है। देखिए यहाँ से और यहाँ से जो है ना ब्लड आएगा, आपका रक्त आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है, और यहाँ से जो है ना ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाएगा और तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा, बाहर जाएगा या फिर फुफ्फुस से जो है ना कहा फेफड़ों में जाएगा, और फेफड़ों में गया ना तो फेफड़ों से वापस स्विच होकर वापस जो है ना इस बाएं आलिंद में आएगा, बाएं आलिंद में आ जाएगा तो वापस जो है ना बाएं नले में जाएगा, बाएं नले में जो है ना बाएं नले में चले जाने के बाद जो है ना वापस यहाँ से जो है ना कहा जाएगा ऊपर जाएगा और ऊपर से जो है ना इस महातमनी से बाहर चला जाएगा, इस तरीके से जो है ना आपको करना है, ठीक है।
आगे समझ में देखिए, सबसे पहले जो महाशिवा होते हैं, महाशिवा से अशुद्ध खून जो है वो आता है इस दाय आलिन में, दाय आलिन से दाय नीले में जाता है, दाय नीले से फुफ्फुस शिवा से होते फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से साफ होकर जो है ना वापस फुफ्फुस शिवा से बाय आलिन में आता है, बाय आलिन से बाय नीले में आता है, बाय नीले से जो है ना वापस जाता है महाधमनी से जो है पूरी बॉडी में चला जाता है। आगे समझ में, अच्छा सा है, बिल्कुल सिंपल सा बना रखा है ना, ठीक है। अब देखिए नामांकित कर ले, तो ये जो बीच में दोनों के देखिए सबको ये अलग कर है ना, इनको हम बोल लेंगे विभाजिका, विभाजित करने वाला, ठीक है ना, विभाजिका, ठीक है। नीचे जो होगा ना, नीचे वाले भाग जो है ना वो नीले होते हैं, क्या होता है नीले, अब ये होगा नीले, ठीक है। अब कौन से नीले है, ये आपका दाया भाग है तो दाया नीले हो जाएगा, और ये आपका बाया भाग है तो बाया नीले हो जाएगा। ऊपर वाला भाग जो है ना, ये भाग आपका होता है आलिंद, ठीक है, आलिन होता है, ठीक है। कौन सा आलिन होगा, दाया आलिन, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला भी ऊपर भाग जाना, कौन सा आलिन हो जाएगा, बाया आलिन, ठीक है ना। आलिन तो होती है, बस दाया बाया जो है आपको नाम देना है। आगे समझ में, और ये जो दो आपकी लाइन है ना, दो आपकी जो पाइप है ना, इन पाइप दोनों पाइपों को हम बोलते हैं महाशिवा, क्या बोलते हैं, महाशिवा, ठीक है। अब इनके भी जो है ना कुछ अलग नाम है, जैसे कि नीचे से आता है तो निचला महाशिवा बोल सकते हो, ठीक है, और ये ऊपर से आता है तो ऊपरी महाशिवा बोल सकते हो। बाकी अगर आप इन दोनों को महाशिवा बोलना चाहो तो भी सही है, ठीक है। इसके बाद जो है ना आपका है, यह है आपका महाधमनी, महाधमनी, ठीक है ना, ये आपका काम हो गया। और ये देखिए, ये वाली पाइप जो है ना, ये वाली नली भी जो है ना कहा जाती है फुफ्फुस में, मतलब फेफड़ों में जाती है, और ये नली भी जो है फेफड़ों से आती है, तो इनको हम क्या बोल लेंगे, दोनों को फुफ्फुस या बोल सकते हो कि शिवा बोल सकते हो, ठीक है, फुफ्फुस या शिवा बोल सकते हो, या फुफ्फुस या नली वगैरह कुछ भी ऐसा कुछ बोल सकते हो गया ना, बस इतना सही तो था आपका का जो है हार्ट अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। सिंपल सा है ना, आराम से आप कर सकते हो, बहुत ईजी है। मैंने जो है ना इसमें भी बहुत टाइम लगाया है, क्योंकि जो है ना मुझे भी पहले समझना पड़ा था, मुझे भी बनाना पड़ा था। देखिए मैंने भी एक दो दिन की मेहनत से आपका हो गया है, और आपका आपको बना के आपको जो है ना बना के दिखा रहा हो, तो आप तो जो इतना कह सकते हो कि खुद बना कर जो है एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं, देखिए ये तो आपका हो गया, अब बात करते हैं यदि आपको रक्त परिसंचरण तंत्र का डायग्राम बोल लिया, ठीक है, तो आप क्या करोगे। नीचे तो पहले आप लिख लेना कि ये आपका क्या है, हृदय है, ठीक है ना, हृदय है। अब जो है ना आपको बोल लिया रक्त परिसंचरण तंत्र, सिंपलेस्ट डायग्राम मैं आपको बताऊंगा, कोई आपको कॉम्प्लेक्स नहीं बताऊंगा, बुक जो है ना उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए क्या करना है आपको, जो है डिब्बा बनाना है, ठीक है, इस तरीके से आप डिब्बा बनाओगे, बना लिया डिब्बा, ठीक है। अब ये डिब्बा जो है ना, इस डिब्बे को जो है ना बीच में से दो भाग कर दो, ठीक है, कर दिए दो भाग। अब जो है ना इसके जो है ना इसके इन दोनों के मतलब तिरछी लाइन एक खींच लो, खींच लिए, ठीक है। अब आप रबड़ लीजिए, आपका रबड़ तो आपके पास ही है, रबड़ के माप जितना जो मान लीजिए इतना रबड़ है, इस रबड़ के माप जितना इसको मिटा लीजिए सब जगह से, ठीक है, इतना इतना मिट जाएगा। यहाँ पर भी जो है वो इतना इतना मिटा लीजिए तो इतना इतना मिट जाएगा, मिट गया। अब जो है ना यहाँ पर जो है ना आप इस तरीके से कर लीजिए, यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, शरीर लिख सकते हो, ठीक है, और यहाँ पर जो है ना आप ये भी कर लीजिए, और यहाँ लिख सकते हो फेफड़े, ये आपने जो है वो लिख लिया, लिख लिया। अब आपको क्या करना है, देखिए ये वाला भाग आपका कौन सा, बाया है, आपका लेफ्ट हैंड है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दाया, ठीक है, दाया हो गया, ठीक है। नीचे हमें से क्या होता है, नीले, ये आपका हो गया नीले, ठीक है, और ये आपका कौन सा नीला हो जाएगा, बाया नीले, नीचे तो नीले ही होता है, ठीक है। ऊपर क्या होता है, आलिंद, ठीक है, आलिंद होता है, तो कौन सा हो जाएगा, दाया आलिंद, ये कौन सा हो जाएगा, बाया आलिंद, ये आप समझ रहे हो ना अच्छे से, ठीक है। हार्ट को जो है ना, देख हार्ट के चार भाग होते हैं ना, तो चार भाग हमने बना लिए, इतना यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत है नहीं। अब जो है ना क्या करना, देखिए ये जो है ना दो भाग है ना इसके, तो दो नली लेना, और जो है ना इसके जस्ट पास कौन सा ये है ना, तो इसको छोड़ कर दूसरा लेना, ठीक है ना, इस तरीके से देखिए ये आपने ले लिया, और ये भी जो आपने ले लिया, ठीक है। अब इसके पास वाला ये है, तो इसका दूसरा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरीके से आप ले लीजिए, और इनको ये मिला लिया, देखिए अच्छे से मिल गए, आपके मिल गए ना, आपका काम हो गया। ऊपर क्या करना है, जो पास वाले होते हैं ना वही से मिला लेने का है, ये आपने मिला लिया, और इसको भी जो है ना मिला लीजिए, और ये आपने जो है वो मिला लिया, बस आपका जो है ना क्या, रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण संचरण तंत्र जो है वो बन गया। सिंपल सा डायग्राम है, बहुत ही मतलब सिंपल बोल सकते हो, बहुत ही ईजी बोल सकते हो, इससे ईजी जो है आपको मिल सकता नहीं है, और 100% ये सही है। आपको जो है ना ये कोई नहीं बोलेगा कि ये आपका गलत है, ठीक है, यदि आपको कोई गलत बता दे तो आप मुझे बोल सकते हो, क्योंकि यह NCERT बुक में दे रखा है, मतलब गलत तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यह है आपका हार्ट और रक्त परिसंचरण तंत्र। अब हम बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र में, उत्सर्जन माने उत्सर्जन तंत्र की, नेफ्रॉन की हम बात करेंगे, और जो है ना जो वक्र होता है उसके आंतरिक भाग क्या होता है उसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है, चलिए।
चलो तो अब हम बात करते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र की। सबसे इजी डायग्राम है, आप जो है आराम से इसको बना सकते हो। ठीक है, देखिए कैसे बनाना है आपको मानव उत्सर्जन तंत्र। सबसे पहले तो आपको दो गुर्दे बनाने हैं जिसको हम बोलते हैं किडनी। ठीक है, दो किडनी हम बना लेंगे जिसको विज्ञान में बोलते हैं हम वक्र। कैसे बनाओगे, देखिए यहाँ से जो है ना आपने इस तरीके से लिया और यह लेकर आए यहाँ पर। ठीक है ना, देखिए बना लिया ना आपने। ठीक है, जैसे इस एक किडनी को आपने बनाया ना, तो उसके पास जो है ना जस्ट पास ही जो है ना बिल्कुल जस्ट पास नहीं थोड़ा सा पास जो है ना आपने तीन लाइन खींच ली। ये आपने खींच ली तीन लाइन, अच्छे से खींच ली ना। ठीक है, अब जो है ना इसके जस्ट पास ही जो है ना आप एक और डायग्राम बना लीजिए, एक और वेक्टर बना लीजिए। सेम ऐसे ही वेक्टर जो है ना आप बना सकते हो। ठीक है ना, बना लिया बहुत ही अच्छे से। ठीक है, आ गया समझ में ना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको जो है ना इस तरीके से जोड़ लेने का है। ये आपने जो है वो जोड़ लिया, ठीक है ना, या फिर जो है इसको ऊपर से जोड़ लीजिए, किसी भी तरीके से आप इसको जोड़ लीजिए। इसको जो है ना आप जोड़ोगे ऐसे, एक ले लोगे ऐसे और दूसरा कैसे लोगे, इसको लेकर ये नीचे चले जाओगे। ठीक है ना, इतना जो है आप कर सकते हो। ठीक है, इसको कैसे करना है, ये एक लेकर आ जाए, ठीक है, दूसरी जो है ना इस तरीके से जो है आपने लेकर आ गए, आगे लेके इसको भी जो थोड़ा सा डिजाइन से करते हैं हम जो है ना थोड़ी सी डिजाइन कर लेते हैं, ये डिजाइन कर ली और इस तरीके से कुछ। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा और अच्छे से करते हैं, ये इस तरीके से हो गया ना। ठीक है ना, अच्छा डिजाइन नहीं करोगे तो चलेगा, ये आपने जो है वो कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा पास बन गया इसलिए प्रॉब्लम हो गया, बाकी तो जो है ना देखिए डिजाइन हम कर भी लेते हैं। देखिए थोड़ा सा दूर बना लेता हूँ, ठीक है ना, आपके पास रबड़ है, आपको कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से बना सकते हो। देखिए बना लीजिए, हम वापस आराम से बना लेते हैं। एक ये आपने किया, एक मिनट, हाँ ये इस तरीके से आपने बना लिया। ठीक है ना, अब आप डिजाइन कर सकते हो। कैसे करोगे, देखिए ये जो है ना आपने कुछ इस तरीके से ये आपने कर लिया। ठीक है, और ये जो है ना आपने बना लिया, हो गई ना डिजाइन अच्छे से हो गई। ठीक है, इसको भी जो है ना थोड़ा सा आगे बना सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो गया आपका। ठीक है ना, देखिए आपको अच्छे से बना है। अब जो है ना ये आपने कर लिया इतना, इसके बाद जो है ना आपको यहाँ पर किस तरीके से करना है, ऐसे दो लाइन लेकर जो है ना इसको इस तरीके से कर लेना का है। ठीक है, इसके बाद जो है ना इसको कैसे करना, इस तरीके से लेके, ठीक है ना, सॉरी इस तरीके से लिया एक और इस ये सीधी लीट खींची और जो है ना इस तरीके से आपने कर लिया। ठीक है ना, ये आपने लाइन खींच कर जो है ना आपका काम हो गया है, हो गया ना। देखिए पहले तो इसको बना लिया, इसके बाद सीधी लाइन खींच कर जो है ना इस तरीके से जो है ना आपने कर लिया, आपका काम जो है वो हो गया, अच्छे से आ गया समझ में। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो है ना आपको किस तरीके की आकृति बनानी है। देखिए ये आपको आप जो है ना खुद एनालिसिस कर सकते हो किस तरीके की आकृति बनती है। इतना किया, इसके बाद वापस इतना जो है कर लेने का, ठीक है ना, कुछ लगभग लगभग पता नहीं किसकी आकृति बनती है, लेकिन जो है ना इस तरीके से करना है। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो कि दो मटके रखे हैं, मटकों की आकृति बन रही है। कैसे करना है, देखिए पहले तो जो है ना आप बना लीजिए एक बार, कोई टेंशन नहीं लेने का, एक बार जो है ना आप बना लीजिए, ये आपने जो है वो बना लिया। ठीक है ना, बना लिया ना, थोड़ा सा पास ले आइए, ये आपने बना लिया। ठीक है, अब जो है ना वापस एक मटका बना लीजिए, ये आपने मटका बना लिया और नीचे जो है ना एक मतलब तीखा तीखा कर लीजिए। ठीक है ना, हो गया ना। अब आपको इसको मिलाना, तो आप रबड़ से मिटा दीजिए। ठीक है ना, रबड़ से मिटा कर जो है ना इसको ये मिला लिया और इसको ये मिला लिया। ठीक है, अच्छे से मिला सकते हो, या फिर ये मिला लिया, इसको जो है ना इस तरीके से आप मिला सकते हो। हो गया काम, बस आपका जो है यह मानव उत्सर्जन तंत्र बन गया। कितने आराम से हमने बनाया, बहुत ही ईजी सा है, आराम से जो है ना हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, हम इसका नामांकन कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका बाया हाथ है, तो ये आपका कौन सा भाग हो गया, दाया आपका राइट हैंड है, मतलब दाया हाथ है, तो आपका कौन सा भाग हो गया, बाया भाग हो गया। ठीक है, ये कौन सा भाग हो गया आपका, लेफ्ट हैंड है, तो ये आपका कौन सा हो गया, दाया हाथ हो गया। ठीक है, दाया भाग हो गया, तो दाया भाग है, तो इसका मतलब ये दाया वक्र। ठीक है, बाया भाग है, इसका मतलब ये बाया वक्र हो गया ना। ठीक है, इसके बाद जो है ना आप इसको बोल सकते हो मूत्र वाहिनी। ठीक है ना, मूत्र वाहिनी मतलब मूत्रों को वाहित करने वाली मूत्र वाहिनी हो गई। इसके बाद जो है ना ये आपका है मूत्राशय। ठीक है ना, मूत्राशय ये आपका जो है वो काम हो गया, और ये लास्ट में आप लिख लेना मूत्र मार्ग, ये बस आपको काम कर लेने का है। इतना सा जो है नामांकन करना है और आपको इससे पूरे चित्र के 3 नंबर पक्के, ये चीज़ है, आराम से आप कर सकते हो। अब जो है ना इस जो आपका इस ये आपकी किडनी है ना, इस किडनी को उठाकर यहाँ पर लाइए। ठीक है ना, ये किडनी है। अब आपको बोल लिया कि इसकी भाई आप इस किडनी का आंतरिक संरचना बनाइए, आपको बुक में दे रखी है कि वक्र की आंतरिक संरचना। हम आंतरिक संरचना कैसे बनाएंगे, इजी सी है आंतरिक संरचना, कैसे बनाओगे देखिए, कोई इसमें लोड नहीं लेना है, आपने लिया इस तरीके से। ठीक है ना, थोड़ा सा बीच में जो है ना इस तरीके से आप कर सकते हो, थोड़ा बीच में ढलान बना लेना, इस तरीके से जो है ना आपने ढलान अच्छे से बनाते हैं। देखिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी,
ये आपने लिया और ये आपने ढलान बना लिया, इस तरीके से कर सकते हो। और यदि ढलान नहीं बनती है ढंग से जो ना, तो जाना आपने कुछ इस तरीके से जो है वो कर सकते हो। बस ये आपकी ढंग से जो है ढलान बन गई, ठीक है ना, इतना आपने कर लिया, हो गया ना। अब जो है ना यहाँ से थोड़ा ढंग से बनाते हैं, देखिए ये आपका हो गया। अब जो है ना यहाँ से आपको या बिल्कुल आगे से नहीं, थोड़ा पीछे से जो है ना इस तरीके से जो है ना डबल लेयर बनाने लगी, ठीक है ना, दो परत बना लेने की है। ये आपने बना ली, देखिए हो गई दो लेयर, ठीक है। अब यहाँ आकर भी जो है ना आपको थोड़ा आगे जो है ना इस लेयर को ख़त्म कर लेने की है, कर ली ख़त्म। इसके बाद जो है ना आपको यहाँ से लेकर आओगे और ये जो है ना आप इस तरीके से लेकर आ जाओगे। ये आपको जो है ना वक्र की आंतरिक संरचना होगी, वक्र की आंतरिक संरचना, ठीक है ना। इतनी सिंपल सिंपल सी जो है ना आपको संरचना कौन बताएगा रे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको कर लेने का है, ठीक है। अब जो है ना नाम भी हम देख लेते हैं, इसका नाम जो है आपका हाइलम, क्या है, हाइलम, ठीक है ना। हाइलम क्या होता है, जहाँ से सभी नसें जो है ना, सभी धमनी होगी, वाहिका होगी, ये सभी जो है वो अंदर आती है, तो ये आपका भाग है, तो इसे हम बोलेंगे हाइलम, ठीक है। बाहर वाले जो भाग है ना उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं बोलते इसको क्या बोलते हैं, चलो हिंदी में देख लेंगे। यह जो है आपका क्या है, मॉड्यूल, ठीक है ना, या फिर मॉड्यूला। इसको जो है ना हिंदी में जो है मुझे देखना पड़ेगा, हिंदी में मैं देख के आपको बताता हूँ। इसको कोई वक वेदन तो कुछ ऐसा नाम बोलते हैं, बाकी जो है ना आप देख लेना, इसका जो है ना अभी मैं आपको बताता हूँ। बाकी समझ में आ गया इसका आंतरिक नाम क्या है, इसका जो आंतरिक संरचना वो क्या है, और इसका मुद्दो मार्ग जो पूरा आपका सृजन तंत्र है वो क्या है, आगे समझ में, ठीक है। अब इसमें एक और भाग है जो कि क्या है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है बताइए आप, नेफ्रॉन क्या होता है, जो आपकी वक्र है ना उस वक्र के सबसे इकाई, मतलब बोल सकते हो कि वक्र की सबसे छोटी इकाई जो है ना वो नेफ्रॉन ही होती है। नेफ्रॉन ही है जो जो आपका जो आपको जो ब्लड होती है ना उसका जो है अवशोषण करते हैं, मतलब उससे जो है ना मूत्र बनाने का काम करता है, ये यही आप समझ लीजिए, ठीक है। तो नेफ्रॉन की संरचना भी आप बना लेते हैं। अब नेफ्रॉन की संरचना किताब वाले पता नहीं कैसे है, इतनी टफ दे रही है कि हम क्या ही करें, ठीक है। ईजी सा मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही ईजी सी है, आपको जो है ना मजा आ जाएगा। देखिए क्या है नेफ्रॉन की संरचना, इतनी इजी इजी से है कि आपको तीन नंबर जो है ना आपको लग जाएंगे कि ये तो बिल्कुल फ्री का नंबर है, बिल्कुल फ्री का नंबर है। और इसी चैप्टर से लगभग पूछा जाएगा तो आपको जो है ना इस फ्री के नंबर को क्यों चूकना। देखिए मैं इजी से आपको बना के बताता हूँ, यहाँ पर जो ना मैं आपको जो ना अभी बाद में बता लूँगा कि कॉर्टेक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे याद आ जाएगा तो मैं बोल लूँगा, ठीक है। देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो जाना इस तरीके से कर लेना, ठीक है। क्या बना लिया आपने, इसको जाना एक बड़ा सा कटोरा जो है ना इस तरीके से आपने बना लिया, बोल सकते हो कि डी बना लिया, ठीक है। डी बनाने के बाद जो है ना ऊपर इसके आप ये ले जाइए, ले गए ना, ठीक है। देखिए इस तरीके से आप ले गए, ले गए। अब जो है ना यहाँ आप इस तरीके से लेकर आ जाइए, आगे लेकर आ गए। अब जो है ना इसको नीचे लेकर चले जाइए, नीचे लेकर जो है ना हम इसको चले गए। अब यहाँ से जो है ना इस तरीके से थोड़ा सा इसका जो गेज है ना उसको हम छोटा कर लेंगे, कर लिया छोटा। इसके बाद जो ना हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे और यह बढ़ा लिया ना, ठीक है। देखिए काम हो रहा है, कितनी अच्छे से काम हो रहा है आपका, बहुत ही सिंपलस्ट वे में जो ना बन रहा है आपका यह वक्र बन गया। इसके बाद जो ना आप इसको नीचे ले आइए इस तरीके से और यह आप काम कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए कितना ईजी सा हो गया है। अच्छा इसके बाद जो ना हम एक एक नाम लिख लेंगे, ये आपका बस नेफ्रॉन बन गया, इतना ईजी सा है, नेफ्रॉन आपका बन गया, इतना इजी है। देखिए नेफ्रॉन, अब आप बोलोगे कि सर टफ है टफ है, इससे सिंपल तो क्या हो सकता है, और जो है ना इससे सिंपल आपको कोई मिलेगा नहीं, बस आपको जो है ना इन तीन नंबर को जो है ना हड़प लीजिए, खा लीजिए, ठीक है। अब देखिए सबसे स्टार्ट वाला, देखिए मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बताता हूँ। हमने क्या पढ़ा था कि नेफ्रॉन के जो है ना दो भाग होते हैं, कौन से दो भाग होते हैं, सबसे पहला भाग जो है ना वो क्या होता है, बोमन संपुट, ठीक है ना। अब देखिए ये तो मैं थोड़ा सा आपको समझा हुआ है, बाकी ये जो है ना आपको आप नहीं लिखोगे ना एग्जाम में तो भी चलेगा। ये वाला भाग जो है ना क्या है, बोमन संपुट, हम जो है ना साथ साथ रिवाइज भी कर लेते हैं, बोमन संपुट, ठीक है ना। और जो दूसरा भाग है जो कि यहाँ से स्टार्ट होकर जो है ना कहाँ तक चलता है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक पूरा, इसको हम क्या बोलते हैं, वक्र नलिका, ठीक है ना, वक्र नलिका बोल सकते हैं, या वक्र धमनी या कुछ नलिका ही होता है, ठीक है, वक्र नलिका, वक्र नलिका या फिर वक्र धमनी था कुछ, ठीक है ना, इस तरीके का कुछ नाम था, या फिर शायद तक नलिका ही था। अब इसके अंदर इनकी आंतरिक संरचना है जो कि क्या है, देखिए सबसे पहला जो है ना इसका क्या नाम है, ग्लो। देखिए ग्लो किस तरीके से याद रखना है, ग्लो मतलब ग्लो का मतलब आप समझ गए ना, ग्लो मतलब एक तरह की चमक, ग्लो। उसके बाद मेवू,
उसके बाद लस, ठीक है ना। देखिए ग्लो मतलब, ग्लो तो आप समझ रहे हो ना, फीलिंग मतलब सिर्फ फीलिंग आ गई कि ग्लो का मतलब होता है चमक चेहरे पर, ठीक है। इसी के साथ मेवू मतलब मेरी, और उसके बाद लस है मतलब मेरी जो ग्लो है ना वो एकदम लसित लसदार है, आप ये समझ सकते हो, ठीक है। ग्लो मेवू लस, आप समझ में आ गया ना, ग्लो मेवू लस। इसके बाद दूसरा जो भाग होंगे उसका आपको यही नाम देना है, वोमेन संपुट, क्या देना है, वोमेन संपुट, ठीक है ना, ये आपने कर लिया। इसके बाद ये जो देखिए, ये सबसे इस वोमेन संपुट के जो पास में है ना, पास है उसको हम क्या बोलते हैं, समीप वाला पाक, मतलब समीप, और समीप ज्यादा ही पास हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, समीपस्थ, समी सॉरी समीपस्थ, 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 समीपस्थ कुंडलित, ठीक है ना, कुंडलित भाग। मतलब यह सबसे पास वाला जो है ना, सबसे पास इस वोमेन संपुट के सबसे पास जिसे हम बोलते हैं समीपस्थ, समीपस्थ कुंडलित है, मुड़ा हुआ है, कुंडलित भाग है। इसके बाद ये जो आपका भाग है ना, ये देखिए इस तरीके से सांप का सांप दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं हेलने लूप, ठीक है ना, हेलने लूप। अच्छा हेलने लूप जो है ना क्या होता है, देखिए कोई हेलने का कोई वैज्ञानिक हो गया, लेकिन ये जो लूप होता है ना इसको जो है ना शायद हेयर पिन भी बोलते हैं, हेयर पिन, हेयर पिन लूप भी होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो जो लड़के वगैरह जो बालों में डालते हैं ना हेयर पिन, वो ऐसी होती है, ठीक है, ब्लैक ब्लैक सी होती है, और कुछ उनका शेप जो है ना इसी तरीके का होता है, फिर उसके बाद मोड़ती है तो जो है बालों में चिपक जाता है, तो कुछ ऐसा ही होता है, इसलिए इनको बोलते हैं हेलने लूप। और जो ना ये सबसे लास्ट भाग है ना, ये सबसे लास्ट है, सबसे दूर है, तो आप बोलोगे दूरस्थ, दूरस्थ कुंडलित, कुंडलित भाग, ठीक है ना, ये आपका जो है वो हो गया पूरा, क्या हो गया, वक्र की संरचना, सॉरी नेफ्रॉन की जो है वो संरचना, नेफ्रॉन की संरचना हो गया ना, अच्छे से आ गया समझ में, बहुत ही अच्छे से। यदि आ गया है ये समझ में तो आप जो है ना इसको लाइक कर लीजिए, अच्छे से लाइक कर दीजिए, साथ साथ देखिए कॉर्टेक्स और इस मॉड्यूल अगर हम बताते हैं एक मिनट के लिए, एक मिनट अभी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा तो इसको जो है ना हम क्या बोलते हैं, बाहरी वलकुट, ठीक है ना, थोड़ा नाम है मैं भूल गया था, बाहरी वलकुट क्या बोलते हैं, बाहरी वलकुट, और अंदर वाले भाग को बोलते हैं भीतरी, मतलब अंदर वाला इसलिए बोलेंगे भीतरी मध्यांश, ठीक है ना, हो गया काम, बड़ी ही अच्छे से हो गया, बाहरी वलकुट और भीतरी मध्यांश हो गया ना, आगे समझ में अच्छे से। अब तो जो ना लाइक बनता है ना, बना लीजिए, लाइक कर लीजिए, साथ साथ दीदी चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो ना आपको पता है कि क्या चल रहा है हमारे चैनल में, किस तरीके से पढ़ाई हो रही है, किस लेवल की हो रही है, और आपका टारगेट क्या है 90+ लाने का, तो बस एग्जाम को फोड़ने की तैयारी करते रहिए, ठीक है, थैंक यू।